अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे खरीफ सीज़न मस्कत लाला बस सर्विस और दीगर कुछ गैदरिंग के मुतलक, होटल्स में जो गैदरिंग की जाती है, दीगर कहीं पर भी किसी भी कम्युनिटी सेंटर में, शादी हाल में, तकरीबात, मीटिंग्स वगैरह, तो वो तमाम जो हैं आपने कोरोना के हवाले से जो सेफ्टी मेजरमेंट्स दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए ही आपने जो अभी तकरीबात करनी वो करेंगे, अदरवाइज़ जेल जुर्माना नोटिस वगैरह जो है वो मिलते रहेंगे। जिस तरह कुछ सेंटर्स को जो है कमर्शियल सेंटर्स को भी बंद किया गया, जुर्माने किए गए, होटल्स को भी सील किया गया था। आज 19 जून 2021 और हफ्ते का दिन है। ओमान में ऑफिशली तौर पर जो है 21 जून से खरीफ का सीज़न शुरू हो जाएगा और मुवासलात ने कल अनाउंसमेंट कर दी है 18 जून से के डेली बेस पर 3 मज़ीद बसें चलाई जाएंगी, यानी पहले सिर्फ 3 बसें होती थी एक दिन में, अब 6 बसें जाया करेंगे। सो होपफुली कि इस साल जो है खरीफ का सीज़न मनाने की इजाज़त होगी, हम लोग जो है विज़िट कर सकेंगे। सो इंशा ताला खैर, दुआ करें कि अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए और जल्दी इस वबा को ख़त्म करे और हम सबको, आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर तरह की बीमारी से, शर से, वबा से महफूज रखे। और दूसरी जो बात ख़बर हम सुनना चाहते हैं उसके मतलब अभी तक कोई ख़बर नहीं है, यानी ना तो वीज़े स्टार्टिंग की कोई ख़बर दी गई है, ना कोई डेट दी गई है, और ना ही फ़्लाइट ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा हमारे मालिक से, वो भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। इवन के वैक्सीनेशन के हवाले से भी अभी तक कोई ख़बर नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला खैर, जैसे कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है, कोई भी डेट्स वगैरह अनाउंस की जाती हैं इस हवाले से भी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और कोशिश करें कि अच्छी वाली वैक्सीन लगवाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।